हेलो गाइस वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स हम आज इस वीडियो में बात करेंगे लीगल एड के बारे में और लीगल एड स्कीम के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में इट इज़ समन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड इक्वल अपर्चुनिटी ऑफ जस्टिस टू ऑल ऑलर्सन्स ये बात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताई गई है कि सभी पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जस्टिस के लिए बट इट इज क्वेश्चनेबल दैट हैव देर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल पर्सनस बट यहाँ पे क्वेश्चन क्वेश्चनराइज होता है कि सभी को मतलब ऑल पर्सन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है जस्टिस की या नहीं तो इसका आंसर है नेगेटिवली कि मतलब है, नहीं मिल पाती इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको बिकॉज इसका रीज़न है गरीबी इट्स प्रॉब्लेंट रीजन इज पॉवर्टी ड्यू टू पॉवर्टी एवरी पर्सन इज़ फार फ्रॉम द रीच ऑफ कोर्ट्स गरीबी की वजह से काफ़ी पर्सन ऐसे हैं जो कोर्ट्स तक नहीं जा पाते बिकॉज जो लॉयर की फ़ीस होती है कोर्ट फीस वगैरह होती है उनको अरेंज नहीं कर कर पाते इस वजह से दिस इज द रीजन ऑफ ओरिजन ऑफ फ्री लीगल एड स्कीम यही एक रीजन है मेन रीजन है जिसकी वजह से फ्री लीगल एड स्कीम का ऑरिजन हुआ अकॉर्डिंग टू ई ब्लैक मैन प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस टू पुअर एंड अनेबल पर्सन इन इज फ्री लीगल एड तो इसमें ई e. ब्लैकमैन ने यह बात कही है कि जो लीगल एडवाइस है वो पुअर पर्सन को याबल पर्सन को कि उनके केस के रिगार्डिंग प्रोवाइड करना एडवाइस वगैरह देना वो लीगल एड के हिला ही है अकॉर्डिंग टू सर थॉमस लीगल एड मीन्स राइट टू गेट कंसल्ट और लीगल एडवाइस फ्रॉम एडवोकेट इन एनी डिफिकल्ट सिचुएशन सर थॉमस के अकॉर्डिंग ये जो लीगल एडवाइस ली जाती है एडवोकेट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वो जो हेल्प मिलती है एडवोकेट से वो लीगल एड कहलाती है जस्टिस पी एन भगवती हैज़ क्लियरली स्टेटेड द मीनिंग दैट इक्वल जस्टिस फॉर एवरी वन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट तो जो जस्टिस पी एन भगवती है उन्होंने ये बात कही है कि इक्वल जस्टिस जो सभी को मिलना चाहिए वो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है बट पावर्टी इज़ ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द पुअर पीपल बट जो गरीबी है वो एक तरह की रुकावट है कि गरीबी की वजह से गरीब लोगों को मतलब प्रोटेक्शन वगैरह उनके राइट्स की नहीं की जा सकती नहीं कर पाते हैं वो अपने राइट्स की प्रोटेक्शन लीगल एड इज़ एन मीडियम टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन बिफोर लॉ टू पुअर पर्सनस तो जो लीगल एड है वो एक वे है एक तरीका है जिसकी जिस तरीके से पुअर पर्सनस को भी लॉ के नजम लॉ के लिए मतलब प्रोटेक्शन वगैरह दी जा सकती है उनके राइट्स को केस राजू उर्फ रामाकंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश फ्री लीगल इट इज़ अ फंडामेंटल राइट इट इज़ अवेलेबल ऑन बोथ द स्टेजेस ऑफ ट्रायल एंड अपील जो फ्री लीगल इट है एक फंडामेंटल राइट है और ये दोनों के दोनों स्टेजेस पे अवेलेबल होता है चाहे वो ट्रायल का स्टेज हो चाहे वो अपील का स्टेज हो हैंस द मेन बेस ऑफ दिस स्कीम इज ओबी जस इी अगर हम बात करें जो इस स्कीम का जो मेन बेस है वो ओबी जस रेमिडियम है वेयर देर इज राइट देर इज रेमिडी ओबी जस रेमिडियम जो है इसका मतलब होता है वेयर देर इज राइट देर इज रेमेडी जहाँ पे राइट right है वहाँ पे रेमेडी भी होगी जरूर अकॉर्डिंग टू इट इफ इट इज़ नॉट सो देन राइट बिकम्स मीनिंग अगर जैसे हम बात करें ओबी जस रेमिडियम के अकॉर्डिंग अगर जहाँ पे राइट right है वहाँ पर अगर नहीं है तो वो जो राइट right होगा वो मीनिंगलेस हो जाएगा राइट्स भी इफ एनी पर्सन डज नॉट इम्प्लीमेंट दियर राइट्स ड्यू टू पॉवर्टी देन लीगल एड स्कीम हेल्प दम अगर हम बात करें कि अगर कोई पर्सन इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता अपने राइट्स को इन्फोर्स वगैरह नहीं करवा सकता कोर्ट से पावर्टी की वजह से तो जो लीगल एड स्कीम है उन उसके जरिए उनको हेल्प की जाएगी उन पुअर पर्सन को नेबर पर्सनस को ऑब्जेक्ट्स ऑफ लीगल एड स्कीम द ऑब्जेक्ट्स ऑफ लीगल एड आर क्लियर फ्रॉम इट्स डेफिनेशंस इट्स मेन ऑब्जेक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट ऑफ फ्री लीगल एड टू इंश्योर इक्वल जस्टिस फॉर ऑल पीपल ऑफ सोसाइटी तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट है लीगल एड का कि इंश्योर हो कि हाँ इक्वल जस्टिस मिले सोसाइटी में जितने भी पर्सन हैं ऑल सोसाइटी मतलब ऑल पीपल्स को सोसाइटी के सेकेंड ऑब्जेक्ट है लीगल एड प्रोवाइड टू इंश्योर दैट द अपॉर्चुनिटीज फॉर सिक्योरिंग जस्टिस आर नॉट डिनाइड टू एनी पसन बाय रीजन ऑफ पॉवर्टी इलिट्रेसी एक्सेट्रा तो लीगल एड का ये भी एक ऑब्जेक्ट है कि ये इंश्योर करे कि जो भी अपरचुनिटीज वगैरह मिल रही हैं पुअर पीपल्स को या अनेबल पर्सन को या जो इलिटरेट पर्सन हैं उनको कि हाँ इस मतलब है लीगल एड की जो स्कीम मिल रही है उनको इससे उनको ये अपॉर्चुनिटी वगैरह जो भी दी जा रही है पुअर पीपल और इलिटरेट पर्सनस वगैरह को तो ये देखना पड़ेगा कि हाँ कोई भी बिना इंसाफ के रह ना जाए टू प्रोटेक्ट द सोशल इकोनॉमिकल पोलिटिकल राइट्स वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी तो जो वीकर सेक्शन सोसाइटी के उनके सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल राइट्स की रक्षा करना द लिटिगेशन इज कॉस्टली अफेयर तो जो लिटिगेशन है वो काफी कॉस्टली माना जाता है अगर कोई लिटिगेशन वगैरह कोई करता है केस वगैरह फाइल करता है तो उसमें काफी खर्चा वगैरह हो जाता है एंड इज नॉट पॉसिबल फॉर एन ऑर्डिनरी मैन टू प्रोटेक्ट हिज राइट्स ऑन अकाउंट ऑफ पॉवर्टी तो ये ऑर्डिनरी मैन अगर हम बात करें एवरेज पर्सन जो एवरेज सैलरी वगैरह लेती हैं उनके लिए बात उनके लिए किसी पे केस वगैरह फाइल करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज काफ़ी ज्यादा खर्चे वगैरह होते हैं तो उनको अपने जो राइट्स वगैरह हैं वो अपने राइट्स को नहीं बचा पाते बिकॉज ऑफ पॉवर्टी गरीबी की वजह से दस टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड एजिस्टेंस फायर लॉयर्स तो ये फ्री लीगल एड मतलब उनको प्रोवाइड की जाएगी लीगल एड स्कीम के अंडर लॉयर्स से पेमेंट ऑफ फीस टू लॉयर्स ऑफ पुअर पीपल तो जो लीगल एड स्कीम है उसका एक ये भी ऑब्जेक्ट है कि जो लॉयर्स हैं लॉयर्स की फीस वगैरह की पेमेंट की जाए पुअर पीपल्स की तरफ से हेल्प टू वॉल्ट्री ऑर्गेनाइजेशल्प टू पोर एंड वीकर सेक्शन तो जो कुछ वॉल्ट्री हैं उनकी हेल्प वगैरह करना जो पोर एंड वीकर सेक्शन की हेल्प करते हैं ग्रांट ऑफ फ्री कॉपी ऑफ डिस टू प्रिजनर्स इन जेल तो जो प्रिजनर्स होते हैं जो कैदी वगैरह होते हैं उनको जेल के अंदर डिसीजन की फ्री कॉपी वगैरह देना एंड अपॉइंटमेंट ऑफ लॉयर्स फॉर देम और उनके लिए जो ऑलरेडी मतलब जेल के अंदर बैठे हैं कैदी वगैरह उनके लिए लॉयर्स के अपॉइंटमेंट वगैरह करवाना प्रजर्वेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स की रक्षा करना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल एड एंड ग्रांटेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन तो मतलब जो भी प्रोविज़न वगैरह फ्री लीगल एड के बारे में दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ग्रांट की गई है उसको इम्प्लीमेंट वगैरह करवाना लागू करवाना टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी तो फ्री लीगल एड वगैरह प्रोवाइड करना पुअर सेक्शन या वीकर सेक्शन जो है सोसाइटी के उनको द स्कीम ऑफ लीगल एड रिजेंबल्स टू द प्रोविजन ऑफ एक्ट थर्टी नाइन ए यहाँ पे आर्टिकल आएगा प्रोविजन ऑफ आर्टिकल थर्टी नाइन एफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसके आर्टिकल थर्टी नाइन ए के अंदर प्रोविजन वगैरह दी गई हैं फ्री लीगल एड स्कीम के बारे में मेन ऑब्जेक्ट ऑफ लीगल एड स्कीम इज टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी तो जो मेन ऑब्जेक्ट है लीगल एड स्कीम का इसका मेन ऑब्जेक्ट ये है कि फ्री लीगल एड जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी की उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना फ्री एडवाइस मतलब लॉ के रिगार्डिंग उनके केस के रिगार्डिंग उनको बताना उसके बारे में अनेबल एंड पुअर पर्सन जो हैं या एस सी कास्ट के एस सी एस टी कास्ट के हैं या बैकवर्ड क्लास्ट के पर्सन हैं जो उनको मतलब फ्री लीगल एड फ्री लीगल एडवाइस वगैरह प्रोवाइड करना ताकि वो अपनी उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके वन ऑब्जेक्ट टू इंप्लीमेंट फ्री लीगल एड वेस्टेड इन आर्टिकल थर्टी नाइन ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो जो एक ऑब्जेक्ट है इंप्लीमेंट करवाने का फ्री लीगल एड ये आर्टिकल थर्टी नाइन ए में बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन के इट इज सेड इन आर्टिकल थर्टी नाइन ए दैट स्टेट शुड दैट नो पर्सन विल बी डिप्राइव ऑफ जस्टिस ड्यू टू पॉवर्टी तो ये स्टेट की ड्यूटी बनाई बताई जा रही है कि मतलब कोई भी पर्सन बिना इंसाफ के मतलब गरीबी की वजह से इंसाफ तक ना पहुँच पाए ऐसा नहीं होना चाहिए और बाय एनी अदर रीजन या किसी और भी रीजन की वजह से एम दफ अचीव बाई दी दस एम इज अचीव्ड बाय द लीगल एड स्कीम तो जो ये एम है स्टेट का कि हाँ ये स्टेट की ड्यूटी मानी जाती है कि हर किसी को इंसाफ मिलना चाहिए कोई भी गरीबी की वजह से या किसी और रीजन की वजह से इंसाफ से दूर ना रहे या कोर्ट के खर्चों की वजह से दूर ना हो जाए तो उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको भी मिलनी चाहिए ओके गाइज थैंक यू